हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग शेप्स एंड शेड्स। मैं हूं शीतल और आज मैं लेके आई हूं फ्रेंड्स के ब्यूटी की लिप पेंसिल जो मैंने रिसेंटली खरीदी थी के ब्यूटी के रेंज से। अगर मैं बात करूं इस लिप पेंसिल की तो एवरी जो प्रोडक्ट है उसका उसी तरह से इसकी नॉर्मल यहाँ पे कलर है जो लिप पेंसिल का वो है वाइट, ये साइड में कलर दिया हुआ है, पीछे मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट लाइफ की डिटेल है। आगे यहाँ पे के ब्यूटी एंड यहाँ पे इंग्रेडिएंट, जो दो इंग्रेडिएंट ये हमेशा स्पेसिफाई करते हैं वो दो इंग्रेडिएंट कैमोमाइल एंड मरुला ऑयल यहाँ पे स्पेसिफाइड है। मैट एक्शन लिप पेंसिल है ये के ब्यूटी की, एनरिच विथ कैमोमाइल एंड मरुला ऑयल, जो कि आप लिप प्रोडक्ट अगर देखेंगे के ब्यूटी के तो ये दो इंग्रेडिएंट्स आपको उनमें मिलेंगे ही, कैमोमाइल एंड मरुला ऑयल। पीछे यहाँ पे बाकी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्टिंग एंड मार्केटिंग डिटेल्स दी गई है। और अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की तो फ्रेंड्स ये जो लिप पेंसिल आती है 550 रुपीज़ की है ये लिप पेंसिल विद अ प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑफ 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। इसकी प्रोडक्ट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज़ ऑफ अगस्त 2019 एंड ये मार्च 2022 तक आराम से चलेगी, तो विच इज़ 2.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली गुड लाइफ है इसकी। पीछे यहाँ पे बारकोड दिया गया है एंड आगे यहाँ पे दिया गया है शेड हिप्नोटिक। तो इसमें अगर आप देखेंगे के ब्यूटी में तो आपको 12 शेड्स ऑफ लिप पेंसिल मिलेगी, तो काफ़ी वाइड रेंज है। आपको जो भी आपके लिपस्टिक आप यूज़ करते हो उसके साथ अगर आप लिप पेंसिल देखने की सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली आपका शेड मिल जाएगा बिकॉज देर आर 12 शेड्स। एंड मेरे को ये ट्राई करना था हिप्नोटिक शेड, इसलिए मैंने ये खरीदी है। अंदर पैकेजिंग इस तरह से आती है विच इज़ सेफ के पेंसिल टूटे ना, ब्रेक ना हो। एंड अगर मैं बात करूँ इस पेंसिल के ऊपर भी एक प्लास्टिक कवरिंग आती है, उसको मैंने निकाल के इसको आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे के का मोनोग्राम किया हुआ है सब जगह, आप देख सकते हैं। वाइट ढक्कन हमेशा की तरह सब प्रोडक्ट पे जो वाइट कैप आता है वो वाइट कैप है और इस पे यहाँ पे लाइटली लिखा हुआ है हिप्नोटिक शेड। और अगर मैं बात करूँ इस शेड की तो इस तरह की है ये पेंसिल एंड इसको मैं अप्लाई करके दिखा दूँ आपको। फ्रेंड्स ये जो शेड है पेंसिल का थोड़ा सा पिंकिश है विच इज़ वेरी वेरी हाई पिगमेंटेड। पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसकी जो लिप क्रेयॉन है और ये जो लिप पेंसिल है दोनों का पिगमेंटेशन बहुत अच्छा लगा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी लॉन्ग लास्टिंग की, लिप जो पेंसिल है ये भी आराम से फ्रेंड्स 7 to 8 आवर्स लिप लास्ट करती है, तो मुझे ये जो क्वालिटी है इसकी बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने एंटायर लिप्स पे इसको लगा के रखा था एंड देन मुझे मेकअप रिमूवर से ही इसको रिमूव करना पड़ा, तो 7-8 आवर्स तक आराम से ये चलेगी। ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ है, मतलब आप एक बार लगा लो, ये देखिए ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं होती। मैंने इसको लगा लिया, फिर इसको आपको जो ये लिप पेंसिल है ना इसको आपको सेट होने के लिए 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे ताकि वो मैस ना हो, अदरवाइज़ आप जब लिप पेंसिल लगाएंगे आपके लिप्स पे तो वो मैस हो जाएगी, ऊपर की नीचे लग जाएगी, नीचे की ऊपर, वो प्रेस करने की वजह से मैसअप हो जाएगी आपकी लिप पेंसिल। तो मेक श्योर करें कि आप लिप पेंसिल अप्लाई करने के बाद वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड देन आप इसको जैसे चाहिए वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ये ट्रांसफ़र प्रूफ भी है तो आपकी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी एंड लॉन्ग लास्ट करिए। तो चलिए मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ आपको कि कैसी ये मैस हो जाती है अगर आप इसको इमीडिएटली प्रेस कर लेंगे। तो ये लगा लिया मैंने लिप पेंसिल, अब मैंने इसको प्रेस किया है तो थोड़ा सा आई कैन फील कि थोड़ा सा वो ये स्टिक हो रहा है, इस पे स्टिक होने की वजह से ये थोड़ी सी मैस हो जाती है। तो अगर आप 2 to 3 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स भी नहीं 1 मिनट भी वेट करेंगे इसको सेट होने देंगे तो ये मैस नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। क्योंकि मुझे अभी भी वो स्टिकीनेस जैसी फीलिंग आ रही है क्योंकि ये सेट नहीं हुई अभी तक। एक बार ये सेट हो जाएगी तो वो स्टिकीनेस वाली फीलिंग भी नहीं आएगी आपको एंड अब देखेंगे ये ट्रांसफ़र प्रूफ है तो ये ट्रांसफ़र भी नहीं हो रही है मेरे हैंड्स पे भी, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस लिप पेंसिल। तो ट्रांसफ़र प्रूफ है ये एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब मैं बात करूँ इस लिप पेंसिल के साथ शार्पनर नहीं दिया है उन्होंने। नॉर्मली आप लिप पेंसिल देखते हैं तो ऊपर कैप पे या फिर एडिशनली शार्पनर होता है जो कि उन्होंने नहीं दिया है। बट अगर आप लिप पेंसिल ऑलरेडी यूज़ करते हैं जैसे मैं यूज़ करती हूँ कलर बार की लिप पेंसिल, तो उसका शार्पनर है ये मेरे पास ऑलरेडी, ये काजल का शार्पनर है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको इसके साथ भी शार्पन करके देखा है फ्रेंड्स। एंड ये नॉर्मल कोई भी इंडियन पेंसिल का शार्पनर अगर आप यूज़ करते हो तो उसके साथ ये चल जाएगा इजीली। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज इट इज़ लाइक जो शार्प इसकी साइज़ दी है, इसकी जो क्वालिटी दी गई वो तो अच्छी है। साइज़ अकॉर्डिंगली आप कोई भी लिप पेंसिल का शार्पनर आप यूज़ करते हो वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा है। तो ओवरऑल आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड
काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो 12 शेड में से आपको जो शेड चाहिए, आप देख रहे हो लिप पेंसिल खरीदने की, तो आप कोई भी एक लिप शेड खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी लिप पेंसिल। आई कीप ब्रिंगिंग मोर रिव्यूज़ फॉर अदर प्रोडक्ट्स। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फाइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।